नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप की खास पेशकश तारीख और मैं हूं निखिल। हम इसमें सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज है 22 जुलाई और इस तारीख का संबंध है दक्षिण भारत के एक किले की कहानी से जिसे शिवाजी ने आज के ही दिन जीता था। शुरू करते हैं 1634 से। उस दौर में बीजापुर में आदिल शाह का शासन था। आदिल शाह कमजोर पड़ चुका था और इस कारण बीजापुर में अराजकता फैलने लगी थी। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर सावंतों ने बीजापुर के अधिकतर किलों पर अधिकार जमा लिया था। शासक को कमजोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठाओं को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की एक योजना बनाई। रोहिदेश्वर, तोरणा, राजगढ़, कोंडना और पुरंदर के किलों को जीतकर उन्होंने बीजापुर के ताकतवर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान दिल्ली में शाहजहां का शासन था। 1636 में शहजादा औरंगजेब सूबेदार नियुक्त होता है यहाँ का, और सूबेदार बनने के बाद सबसे पहले उसने बीजापुर पर ही हमला किया। इस लड़ाई में जीत के बावजूद वो खिजा हुआ था। मुगलिया सल्तनत में आपसी विद्रोह चल रहा था जिसके चलते औरंगजेब ने आगरा पर चढ़ाई कर दी और सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। इस बारे में हम आपको तारीख के 19 जुलाई 2021 वाले एपिसोड में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शाहजहां को बेदखल कर औरंगजेब ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और उसका पूरा ध्यान उत्तर भारत की रियासतों पर था। इस कारण मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने दक्षिणी कोंकण पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में लिया। कोंकण भारत के पश्चिमी तट का एक पर्वतीय हिस्सा है, बड़ा सुंदर भी है। आज के हिसाब से देखें तो कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। वो जो एक पूरी स्ट्रिप है लंबी सी, मुंबई से लेकर के गोवा तक जाती है और आगे तक, उसी को आप कोंकण का इलाका कहते हो। औरंगजेब ने जब रियासत पर अपनी पकड़ बना ली तो उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। तब तक शिवाजी 40 दुर्गों पर अपना अधिकार जमा चुके थे। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखते हुए औरंगजेब ने जयसिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। मुगल सैनिक पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे, पर शिवाजी की युद्ध नीति कमाल की थी। पहाड़ी किले उनकी युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हर किले के अंदर एक ही रैंक वाले वो 3 अधिकारी नियुक्त करते थे। अगर कोई दुश्मन से मिल भी जाता तो किले पर विजय पाना आसान नहीं था। वो गुरिल्ला तकनीक से छोटे छोटे गुटों में बंट के दुश्मन पर हमला करते ही शिवाजी अपनी सेना सहित जल्दी से गायब हो जाते और अपने पहाड़ी दुर्गों में शरण ले लेते। इसी कारण औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था। इस दौर में शिवाजी और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए जिसमें मुगलों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो शक्ति में शिवाजी की सेना से ताकतवर थे क्योंकि साइज बहुत बड़ा था। और इस कारण 1668 में शिवाजी को औरंगजेब के साथ एक समझौता करना पड़ा जिसके अनुसार केवल 12 किलो पर उनका अधिकार रह गया। 24 किले उन्हें औरंगजेब को देने पड़े, जिसे बाद में उन्होंने जीता भी। अपने अभियान के दौरान उन्होंने बीजापुर और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, पर आधिकारिक तौर पर अभी तक वो राजा नहीं हुए थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली, जो अब पूरा नाम वैसे ही चलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। मध्य भारत में शिवाजी का राज्य सशक्त लेकिन छोटा था। उन्हें लगा कि इस तरह मुगलों का सामना करना कठिन होगा, इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार देने की सोची। उनकी योजना थी कि वो अपने अभियान को दक्षिण भारत की तरफ ले जाएंगे और इस तरह वो दक्षिण और उत्तर के बीच की सीमा को एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। योजना थी कि मुगलों पर छोटे छोटे आक्रमण किए जाएं, मुगल सेना आक्रमण करे तो वो दक्षिण की तरफ पीछे हट सकते थे। मुगलों की विशाल सेना अपने संसाधन बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती थी। इस तरह लड़ाई को लंबा खींचते हुए सैनिक थक जाते और ऐसे में उन पर हमला करके विजय पाई जा सकती थी। इसी योजना के तहत अपने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति दक्षिण की ओर बढ़ गए। इस अभियान को नाम दिया गया दक्षिण दिग्विजय। इस अभियान में 50,000 सैनिक भी उनके साथ थे, जिनमें 30,000 घोड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक शामिल थे। बहुत बड़ी फौज है ये उस टाइम के हिसाब से। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो इसलिए उन्होंने औरंगाबाद के सूबेदार और गोलकोंडा के कुतुब शाह के साथ संधि की। दक्षिण दिग्विजय की सफलता के लिए 2 किलों को जीतना बहुत जरूरी समझा गया, वेल्लोर और जिंजी का किला। शिवाजी अपनी सेना लेकर जिंजी किले पर पहुंचे। किला मोहम्मद नासिर खान के कब्जे में था। जिंजी उस समय के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। शिवाजी ने चक्रावती नदी के किनारे अपना कैंप बनाया और किले पर हमला कर दिया। जिंजी को जीतने के बाद अब बारी वेल्लोर किले की थी। आज के हिसाब से वेल्लोर चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में पलार नदी के किनारे पर स्थित है। इस जगह का नाम तमिल शब्द वेल यानी भाले से आया है।
2021 के विधानसभा चुनाव से पहले की खबरों को अगर आप टटोलेंगे तो आपको तमिलनाडु में एक वेल यात्रा का भी जिक्र मिलेगा, वो भी भाले वाली ही यात्रा थी। चलिए किस्से पर वापस लौटते हैं। शिवाजी वेल्लोर पहुंचे, किले पर अब्दुल्ला खान का कब्जा था। शिवाजी ने देखा कि वेल्लोर किले की शुरुआत में शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे जो उस किले की रक्षा करते थे। किले के चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें पानी भरकर उसमें घड़ियाल छोड़ दिए गए थे ताकि कोई किले पर सीधे हमला ना कर सके। किले पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था और शिवाजी अपने साम्राज्य से बहुत दूर थे। बड़ी क्षति होने पर भरपाई होना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तब छत्रपति शिवाजी ने सेनापति हंसाजी मोहिते के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने चारों तरफ से किले को घेर लिया। घेराबंदी इस तरह की गई थी कि ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। किले में राशन और बाकी जरूरी सामान जाने का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। 14 महीने तक सेना किले के बाहर डेरा जमाए रही। सीज किले के दोनों तरफ पहाड़ों पर दो फोर्ट बना दिए गए, पोजीशंस बना ली गई, सजरा और गोजरा। जैसे ही कोई किले से बाहर निकलता ऊपर से उस पर निशाना लगा दिया जाता। किले की रक्षा में तैनात 500 में से 400 सैनिक मार दिए गए। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो अब्दुल्ला खान किले से बाहर आया और उसने सरेंडर कर दिया। 22 जुलाई 1678 को वेल्लोर का किला मराठा साम्राज्य के अधीन हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह किला एक बार फिर मुगलों ने जीत लिया। 1806 में इसी किले में मशहूर वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी जिसे 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी माना जाता है। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेके। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और रिकॉर्ड किया था हमारे साथी वरुण ने। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।